हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आगे हम हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि आज देखने वाले हैं हम हमारी कविता। कविता का नाम है नदी की, नदी कंधे पर। तो देखो, नदी कंधे पर यानी इस कविता में हम आज देखने वाले हैं एक कल्पना शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, कल्पना शक्ति से हम क्या करते हैं, यानी कोई भी चीज जो कभी हो ही नहीं सकती वो भी हम वहां पे क्या करते हैं, कल्पना के माध्यम से हम वहां पे उसके साथ चलने लगते हैं। यानी कि चलने लगते हैं, यानी जो भी चीज, जैसे मैं चांद पर पहुंच गया, मैं आसमान से तारे लेके आया, या मैं कहीं पे, यानी जो चीजें कभी हो नहीं सकती तो वो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति के आधारित हम वहां पे जी लेते हैं। ठीक उसी तरह आज हम जो कविता देखने वाले हैं, आपको पता है इस कविता में जो बालक है वो बालक अपने कल्पना के आधार पर क्या क्या करता रहता है वो हम आज इस पोएम के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं हम हमारे कविता की तरफ। देखो कविता का नाम है नदी कंधे पर। ये प्रस्तुत कविता जो है काल्पनिक कविता के, काल्पनिक प्रतीकों के आधार पर है। ओके, तो ये कविता जिन्होंने रची हुई है उनका नाम है प्रबुद्ध दयाल श्रीवास्तव जी। प्रबुद्ध दयाल श्रीवास्तव जी ने, देखो इनका जन्म हुआ है 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरम, एक धर्मों में मध्य प्रदेश में एक गांव है, उस गांव में उनका जन्म हुआ है। देखो इनकी रचना है बुंदेली लघु कथाएं, देन लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि इनकी, ये इनकी रचनाएं हैं। इनका परिचय हम देखेंगे कि इनका परिचय है कि ये जो आप जो दो दशकों से ये कहानियां, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते आते हैं। देखो यहाँ पे इस कविता, प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति जो बाल मनोभाव का जो व्यक्त किया गया है, जो उसका वर्णन किया गया है, एक बाल मन का यहाँ पे आज हम इस कविता में देखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं कविता की तरफ। तो कवि क्या कहते हैं, देखो एक बालक के स्वरूप में, एक बालक का बाल मन अपने मनो में वो अधिक कल्पना जो करता है, ये कल्पना कैसे निकली है वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, अगर हमारे बस में होता, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो इस कविता में ये जो बालक है, ये बालक हमें क्या कहना चाह रहा है कि वो कहता है कि जो उसे एक नदी, नदी क्या करनी है, उसे कंधों पर उठाकर लानी है। वो नदी को कंधों पर उठाकर लाकर वो हमें कहता है कि मेरे बस में होता ना, मेरे हाथ में होता ना, तो मैं क्या करता, तो ये नदी मैं कंधे पे उठाकर लेकर आता, और ये नदी उठाकर ले आता और उन अपने घर के ठीक सामने, जो मेरा घर है, मेरे घर के ठीक सामने में उसे क्या करता, बहाता, और उसे हर रोज बहाता, यानी वो हर रोज कंधे पर उठाकर लाता, अपने घर के सामने वहां पे बहने के लिए रख देता, और बहन वो बहती बाल हर रोज उसे वो लेके भी जाता और लेके भी आता, ऐसी उसकी उसकी कल्पना है। देखो उस कल्पना में वो क्या क्या कहता है, और वो कहता है कि हम मित्रों के साथ उस नदी में क्या करते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम उसमें नहाते। जैसे देखो आप भी बच्चे सब, जब सब एक साथ मिलते हो, धमाल करते हो, सब मित्र एक साथ जब आप आते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप भी वैसे ही करते हो, उछल कूद करना, धमाल करना, ये तो आप करते ही रहते हो। ठीक उसी तरह
यहाँ पे भी ये बालक क्या कह रहा है कि मैं जो नदी कंधे पर लेके आने वाला हूँ वो मैं मेरे घर के सामने वहां पे बहाने वाला हूँ और उसमें मेरे मित्रों के साथ कूद कूद कर उछल उछल कर वहां पे मैं उस नदी का आनंद उठाना चाहता हूँ। तो चलो आगे के जो पंक्तियां है वो देखते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, चलो नहाने, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों कर, सभी उपस्थित भद्रजनों कर नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी वहां पे क्या करते वो तैर कर जाता, ऐसे ही यहाँ पे पार कर जाता है, ऐसे वो वहां पे कह रहे हैं। चलो पंक्तियों की वर्णन की तरफ बढ़ते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, यानी वो नदियों में जैसे तैरते रहते डुबकी लगाते रहते हैं, जैसे आप लोगों ने भी कभी तो नदी में नहाए होंगे, है ना, कोई तो हर रोज नहाते होंगे, तो कोई तो अपने गांव में, जैसे ज्यादातर शहरों के जगह गांव में वहां पे नदियां बहती रहती है और नदियों में तैरने का और खेलने का वो आनंद वो बच्चे उठाते ही रहते हैं। ठीक उसी तरह हमने देखा कि बालक यहाँ पे कहता है कि कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, यानी वहां पे धूम मचाते हुए वो क्या करने चाहते हैं, इतराते यानी मस्ती करते हुए गाते हुए वो नदी तैर करना चाहते, नदी में तैरना चाहते, नदी में खेलना कूदना चाहते हैं। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, और सबको जितने सारे लोग हैं उन सबको मैं क्या करवाता, आमंत्रण दे के आता कि चलो हमारे घर पे नदी आई है, हमारे घर पे नदी बह रही है, आप सब वहां पे क्या करने चलो नहाने के लिए चलो, ऐसे में आमंत्रित करने सबको जाता। देखो आगे वो क्या कहते हैं, सभी उपस्थित भद्रजनों का, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाता। देखो जैसे हमारे घर में कोई भी अतिथि आते हैं, हमारे घर में कोई परिजन आते हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, हाँ हमारे घर में मम्मी पापा हो या हम हो, हमारे यहाँ के कोई परिजन हो या मम्मी पापा के कोई परिजन हो, वो क्या करते हैं, हम सबसे वो मिलवाते हैं, ये कौन है, हमारे चाचा है या मामा है या मौसी है या दादी है या दादा है, जो भी रिलेशन यानी जो भी उनके साथ नाता है हमारा वो वहां पे हमें बताते हैं, उनका नाम बताते हैं यानी उनका वहां पे परिचय करवा देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या किया है, हाँ वो बालक कहता है मैं सबको आमंत्रित करूंगा और वहां पे जो सभी उपस्थित वहां पे भद्रजन यानी श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ पुरुष, भद्रजनों का अर्थ होता है यहाँ पे श्रेष्ठ पुरुष, फिर उन श्रेष्ठ पुरुषों का मैं नदी से परिचय कराता, यानी नदी से जो पहचान नदी की है वो मैं उनको वहां पे करवा देता, ऐसे ये बालक वहां पे कह रहा है। ओके तो चलो।